दोस्तों, भारतीय सेना की मॉडर्नाइजेशन में नए हथियारों के साथ साथ नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को भी शामिल किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई सब्सक्राइब जरूर कर दे। 74वें स्थापना दिवस के अवसर भारतीय सेना ने आज पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को सबके सामने पेश किया। आर्मी डे पर दिल्ली कैंट में परेड ग्राउंड पर पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो इसी नई यूनिफॉर्म में दिखाई दिए। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो मार्च करते दिखाई दे रहे हैं। आइए नई यूनिफॉर्म के बारे में जानते हैं। नई यूनिफॉर्म सेना के दशकों पुराने कॉम्बैट ड्रेस की जगह लेगी। यह दुश्मनों को गुमराह करने या छिपने के लिहाज से डिजिटल कैमोफ्लॉज पैटर्न पर आधारित है। नई यूनिफॉर्म का कलर ओलिव ग्रीन और दूसरे शेड्स को मिलाकर तैयार किया गया है। ऐसी ही एक ड्रेस का इस्तेमाल ब्रिटिश आर्मी करती है। इसे इसी साल अगस्त में भारतीय सेना में पूरी तरह से शामिल किया जा सकता है। इस यूनिफॉर्म को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के सहयोग से तैयार किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह नई पोशाक सैनिकों के लिए ज्यादा आरामदायक होगी और डिजाइन में भी एकरूपता लाएगी। यह वर्दी हल्की होने के साथ ही ज्यादा मजबूत और जल्दी सूख जाएगी। कॉम्बैट ड्रेस का कपड़ा हल्का, मजबूत, पहनने में और मेंटेन करने में आसान है। डिजिटल पैटर्न के साथ साथ पेट और जांघ के बीच के हिस्से में ड्यूल लेयर रखा गया है। इसे सेना के काम करने की परिस्थितियों और जरूरतों और जंग के मैदान में सैनिकों की वर्दी में एकरूपता के लिहाज से तैयार किया गया है। प्रोफेसरों और स्टूडेंट समेत 8 लोगों की टीम ने जवानों के ड्रेस के इस प्रोजेक्ट पर काम किया है। ड्रेस की खूबियों में एक इसका हल्का होना है। इसे महिलाओं के लिहाज से भी ज्यादा सुविधाजनक बनाया गया है। प्रोजेक्ट में शामिल एक प्रोफेसर ने बताया कि 1.5 साल पहले भारतीय सेना ने हमसे संपर्क किया था और कॉम्बैट यूनिफॉर्म में बदलाव के बारे में चर्चा की। शुरुआत में केवल डिजाइन में बदलाव की बात थी, लेकिन बाद में इसमें ज्यादा चेंज करने पर सहमति बनी। इस तरह से जवानों की यूनिफॉर्म के पैटर्न, कपड़े और डिजाइन में बदलाव किया गया। जवानों के लिए अंदर टी शर्ट दिया गया है। ऐसे में नई वर्दी में शर्ट को ट्राउजर में डालने की जरूरत नहीं होगी। एक्सपर्ट ने बताया कि ड्रेस को डिजाइन करते समय इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखा गया कि सैनिक अलग अलग क्षेत्र में उसे पहनकर अपनी भूमिका निभा सके। इसे पहनकर आसानी से पहचान में आना मुश्किल है। सेना में ऐसे ड्रेस ऑपरेशनल एरिया में जवान पहनते हैं, जबकि नई दिल्ली में सेना मुख्यालय पर तैनात अधिकारी हर शुक्रवार को बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इस ड्रेस में होते हैं। सूत्रों ने कहा, 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड, 1 आर्टिलरी ब्रिगेड और 1 दिल्ली की सैन्य पुलिस इकाई में 150 से ज्यादा जवानों को कॉम्बैट यूनिफॉर्म के 15 सेट दिए गए थे। इनमें शॉर्टलिस्ट किए गए पैटर्न, डिजाइन और कपड़ों के अलग अलग कॉम्बिनेशन थे। इनके फीडबैक के ही आधार पर वर्दी के आखिरी प्रोटोटाइप का चुनाव किया गया है। एक अन्य सूत्र ने कहा कि फिलहाल सभी कमान मुख्यालयों के लिए मंजूरी प्राप्त प्रोटोटाइप के करीब 300 पीस को तैयार किया जा रहा है, ताकि सभी जवान इससे परिचित हो सके। इसमें 10 से 20 कस्टम तैयार यूनिफॉर्म भी शामिल है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।